देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। केजीएमयू में सीएम का कार्यक्रम, सीएम योगी ने मशीन का किया लोकार्पण। अजय राय बने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, बोले जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की वर्चुअल समीक्षा, नगर विकास मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। बदायूं के मेंथा प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, दो व्यक्ति जहरीली गैस से हुए बेहोश। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा भैयादूज, सड़क पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अजय राय को पार्टी ने प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है। प्रांतीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जनपद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर तहसील सैदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पूर्व विधायक का जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि नेतृत्व से जो भी जिम्मेदारी मिली उसे ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आज जो राहुल जी ने यात्रा प्रारंभ की है कन्याकुमारी से कश्मीर की, ये यात्रा जो देश के अंदर एक वैमनस्यता पैदा किया है वर्तमान की सरकार, वर्तमान के लोगों ने आपस में दुराव पैदा किया है, भाईचारे को खराब किया है, इसको जोड़ने का काम किया राहुल गांधी ने। निश्चित तौर से यह अप्रत्याशित परिणाम अभी जो नगर निकाय का चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और ऐसी ये पहली यात्रा पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में होगी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 3537 किलोमीटर की यात्रा, आज तक इस पूरे हिंदुस्तान की धरती पर आज तक इतनी बड़ी यात्रा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के ब्राउन हॉल की एशिया को पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है, अस्पताल में सुविधाओं को आगे बढ़ाना है, कैंसर और नसों के मरीजों का इलाज होगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विपिन पुरी मौजूद रहे। मैं सचमुच इन दोनों विभागों को, नए नवगठित विभागों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक आधारशिला इसके माध्यम से आप लोगों ने रखी, एक मजबूत आधारशिला इससे प्राप्त हुई है। मैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में उन्होंने जो एक नई मशीन यहाँ पर उपलब्ध कराई है और वह भी जो यहाँ से प्लाज्मा गया है उसके माध्यम से ही वो मशीन मिली है, यानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विभाग की और वह पहली मशीन है भारत की भी और एशिया की भी। लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा की जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं छठ पर्व को लेकर नगर विकास मंत्री ने सख्त निर्देश दिए। मंत्री एके शर्मा ने दीपावली के बाद एवं आगामी छठ पर्व के निकायों में साफ सफाई, जल भराव, डेंगू एवं संचारी रोग की रोकथाम की वर्चुअल समीक्षा की। एके शर्मा ने दीपावली के बाद की सफाई व्यवस्था को पहले जैसे ही चाक चौबंद रखने के लिए निकाय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान डायरेक्टर नगरीय निकाय सुश्री नेहा शर्मा, सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। खबर बदायूं से है जहां मेंथा प्लांट की सफाई करने उतरने दो व्यक्तियों की जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए, जिन्हें वहां उपस्थित लोगों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक मरीज के मृत होने की सूचना दी और वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।
शाहजहांपुर में भैयादूज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के चलते बहनें जहां भाई के माथे पर तिलक कर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज से आई जेल प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए उनके भाइयों से मुलाकात कराने का जिम्मा उठाया है, जिसके चलते करीब 450 महिलाएं अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे चुकी हैं। इसके साथ ही अव्यवस्था को रोकने के लिए सड़क पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए, बल्कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मैंने अपने जेल में बंद भाइयों से मिलने आई हुई हैं, इसीलिए कारागार पर उसके लिए बहुत अलग से व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करके अतिरिक्त महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात कराया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न होने पाए। और कारागार पर मुलाकात की व्यवस्था प्रातः 7 बजे से ही प्रारंभ कर दी गई है। लगभग 450 बहनें अभी तक भाइयों से मिल चुकी हैं। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी की धारदार हथियार और ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं 52 मार्ग पर माइनर के पास व्यापारी का शव पड़ा मिला। दरअसल युवक अपने चचेरे भाई के साथ रात में घर से निकला था, जिसके बाद उसके मौत की खबर उसके घर पहुंची। इस घटना के बाद चचेरा भाई फरार है। जानकारी मिलने पर पता चला कि प्रॉपर्टी का विवाद परिवार के बीच चल रहा था। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। के पास कोतवाली शहर के राहुल गुप्ता का शव मिला है। प्रातः सर पर जो है चोटें हैं, ऐसा प्रतीत होता है किसी ईंटे से प्रहार किया गया है, जिससे मौत हुई है। अभी अन्य कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है। कल रात में अपने घर से निकले थे अपने चचेरे ताऊ के बेटे के साथ। बाकी और पड़ताल की जा रही है कैसे क्या हुआ है। लखनऊ में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चेकिंग ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की अराजक तत्वों ने पिटाई की। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करके भाग रहे 3 अराजक तत्वों ने कांस्टेबल श्रीकांत को बुरी तरह से पीटा। वहीं पिटाई के मामले के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। कांस्टेबल श्रीकांत की तहरीर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देवरिया में रुद्रपुर के मस्जिद वार्ड फलमंडी के पास रहने वाले अंकिता पुत्री दिनेश गुप्ता अपनी दादी के साथ सब्जी लेने के लिए निकली थी। उसी दौरान वो रास्ते में भटक कर खो गई। नगर के पुराने चौक पर ड्यूटी में लगे मुख्य आरक्षी रमाकांत भारती व आरक्षी पंकज गौंड की नजर बच्ची पर पड़ी, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। वे बच्ची से उसका नाम पता पूछने लगे। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने बच्ची को उसके पिता के हवाले किया। खबर सीतापुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक युवक ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर पहले तो पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने लगा। वहीं ग्रामीणों को आता देख युवक ने धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिसे देख आसपास के लोगों ने पहले तो महिला की आग बुझाई और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। महिला को तत्काल सिंधौली CSC में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए महिला को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। तत्काल हमारी PRV वहाँ पे गई और उनको उठा के हम लोग लेके आए, CSC में एडमिट कराए। और महिला उस समय थोड़ा होश में थी, उससे हमारी पुलिस ने बात किया। जानकारी ये हुई कि वो महिला, उसका नाम गुड़िया है और उसने द्वितीय मैरिज लव मैरिज किया था उसने सुमित यादव नाम के लड़के से, और दोनों में काफ़ी एज गैप है। सुमित मूलतः बाराबंकी का रहने वाला है और महिला बाराबंकी में रहने वाली है। उस महिला के पूर्व से ही 3 बच्चे हैं और उसके अपने पहले पति के हैं। सुमित की एज लगभग 25 साल है। वो लगभग 3 साल पहले उसे मैरिज किया था और लाके लखनऊ में रहता था। आज उसने अपनी उस तो सो कॉल्ड पत्नी को नामिस दर्शन के बहाने ले आया था और उसको ला के वहाँ होटल पे खाना खिलाया और बाद में उसके गले में। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV।